Welcome to Be the Superhero. If you love superhero and sci-fi content, please do subscribe and follow us on Instagram, Facebook, and Fanpower. Warning: इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो शायद से फैन थ्योरी या फिर स्पॉइलर हो सकते हैं। तो आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस कंटेंट। हेलो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है ब्लैक पैंथर के ऊपर। और आपको जैसे पता ही होगा कि चैडविक बोसमैन अभी नहीं रहे, तो इवन डायरेक्टर्स ने कह दिया कि ब्लैक पैंथर का रोल और कोई नहीं करेगा और चैडविक बोसमैन के अलावा कोई ब्लैक पैंथर बन नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी थ्योरी में लेके जाएंगी कि नेक्स्ट ब्लैक पैंथर मूवी में कौन दिखने वाला है। मोस्टली ये है बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन, क्या शुरी से दूसरी ब्लैक पैंथर बनेगी या क्या होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन है। बट अभी एक छोटा सा रूमर निकल के आ रहा है कि किंग मोंगर वापस आ रहा है। किल मोंगर ब्लैक पैंथर 1 में मर चुका था और आपने देखा था कि उससे बहुत सारे लोगों को ज़्यादा डिप्रेशन आ गया था वो वाले सीन से। बट मोस्टली ये चीज़ ऐसा है कि किल मोंगर का जो डेथ है वो कॉमिक्स में ही बहुत बार हुआ है। कॉमिक्स में हर सब कोई मरता है, बट इसमें ज़्यादा लॉजिकल क्या है कि जो ब्लैक पैंथर 2 की विलन जो आने वाली है वो पता नहीं कि कौन आने वाला है, तो इधर बहुत सारे चांसेस है उसके विलन्स का। और किल मोंगर के वापस जिंदा होने के चांसेस भी ऐसे ही है। वो पूरे डेथ को, मतलब लिटरली किल मोंगर जब मर चुका था तो उसको रिकवर करके लेके आने वाले पर्सन में से है, और वो डेविल की एक स्लेव टाइप की है। तो मोस्टली ये पता नहीं कि वापस आने वाला कौन है। तो अगर किल मोंगर आ रहा है तो कैसे आएगा, एज अ विलन आएगा कि एज अ वकांडा रूलर टाइप आएगा, बट ये चीज़ भी बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है। और मोस्ट चीज़ के बकी द विंटर सोल्जर वो भी भाई है और वो वाइट वुल्फ का रोल प्ले कर रहा है वहाँ। विंटर सोल्जर वाइट वुल्फ बन चुका है तो वापस विंटर सोल्जर बन चुका है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो शायद बकी वहाँ ही रहेगा वापस से, और शायद वहाँ रूल तो नहीं करेगा एज पर, क्योंकि वो वकांडियन नहीं है। तो बहुत सारे चांसेस है कि कन्फ्यूजन वापस क्रिएट होने वाला है, ग्लीचेस वापस क्रिएट करना है। और होबू जो उनके दूसरे क्लाइन से बिलोंग करता है शायद वो भी रिकवर कर सकता है वकांडा को, बट पता नहीं कि क्या से क्या ट्रीटमेंट सीधे चलने वाले हैं। तो मोस्टली ये चांसेस अभी ज़्यादा आ रहे हैं कि किलमोंगर वापस रिटर्न करने वाला है, क्योंकि फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है माइकल बी जॉर्डन का, और इवन वो रोल के बाद तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो ये अभी रूमर्स निकल गए थे कॉमिक्स सीन से। तो अगर मुझे और कोई रूमर आ रहा है तो मैं आपको श्योरली इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना। आपसे फिर मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, पीस आउट वर्ल्ड।